अब कैसे आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, शादी कैसे हुई थी? शादी कैसे, वैसे जैसे वो इमाम साहब आए, उन्होंने हमसे पूछा नहीं ऐसे अरेंज मैरिज है बेसिकली, अरेंज मैरिज है हमारे, लव मैरिज है बेसिकली। हाँ बेसिकली जैसे ताबिश हमेशा कहते हैं हमारी लव मैरिज है, हमारे इनके पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स को आपस में लव हुआ तो हमारी अरेंज मैरिज हो गई। ये तो कितने मजे की बात है। ये हम लोगों के असल में ताबिश के फादर और मेरे दादा फ्रेंड्स होते थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अच्छा, तो उनके थ्रू बस, मतलब वो लोग आपस में रिश्तेदार नहीं थे? नहीं, ये लोग यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स होते थे। मेरे वालिद और इनके जो दादा हैं वो बचपन के दोस्त थे, 3 साल थर्ड क्लास के फ्रेंड थे। अच्छा, तो जब वो बड़े हुए तो मेरे वालिद ने एक फंक्शन में इनके वालिद को देखा। अच्छा, तो इनके वालिद मेरे वालिद के उस जमाने के जैसे बच्चे नहीं होते, तो गली के दो मेरे दादा और ताबिश के फादर दो बड़े होते थे और मेरे जो फादर हैं वो हमेशा उनके साथ जो होते ना खेल, मतलब साथ होना, बड़े भाइयों के बच्चा साथ रखा जाता है ना, हाँ, वही शरारती तो ऐसे मेरे फादर थे। तो एक फंक्शन में बस मिले, शायद होने वाली बात थी तो इसीलिए दोबारा से वो मिलना जुलना उस तरह हमारा हुआ। तो बस जब मिले तो पता है, जब मैंने आप दोनों की वीडियोस वगैरह एक साथ देखी, जब हीरा को मैं नहीं जानती थी, ताबिश को जानती थी, तो हमने देखा ये मजे की, अच्छा ये वीडियो आई है दोनों एक साथ, तो मैंने कहा इन लोगों की शक्लें मिलती हैं आपस में ना, मियां बीवी होने से पहले कजन्स होंगे। नहीं नहीं, हम कभी कजन नहीं रहे। सो 12 साल में हीरा की ब्यूटी आपकी तरफ भी ट्रांसफर हो गई। हाँ, ये सब इन्हीं का है, मैं तो ऐसे यहाँ पे बस थोड़ा सा चिलगोजे बेचने से आए थे। तो ये अरेंज मैरिज प्योरली, बहुत अरेंज मैरिज जी जी, लेकिन ऐसा था कि वो वो नहीं होता, लव एट फर्स्ट साइट वाली बात थी। हाँ, वो लव एट फर्स्ट साइट था ताबिश की तरफ से। जब हम पहली बार गए तो ये होता है यूजुअली कि लड़की देखने गए आप? लड़की देखने नहीं गए थे, रमजान ही थे तो जैसे वो होता है कि बस एकदम इन लोगों की फैमिली भी हो के था कि देख रहे हैं या हो रहे हैं, तो ताबिश की बहन आई हुई थी, उन्होंने कहा चले इनके यहाँ चलते हैं, बहुत अरसे से गए नहीं या मिलना नहीं हुआ, तो बस वो लोग आए ना, हमारे माइंड में था और इनके माइंड में था कि नहीं था ये तो अल्लाह को ज्यादा बेहतर पता है, लेकिन बस अम्मी को ही पता है, अम्मी को ही पता है। तो बस मैं उस वक्त निकल रही थी अपनी छोटी, वो जो लास्ट डेज की शॉपिंग होती है, तो ऑलरेडी मैं थोड़ा ड्रेस अप थी कि जा रही थी बाजार, निकल रही मतलब तैयार श्यार थी। हाँ, तो उस वक्त चूड़ीदार पजामे बड़े चलते थे, मैंने चूड़ीदार पजामा पहन के निकल रही थी अपनी शॉप, तो अम्मी ने कहा कि वो गेस्ट आए हैं तुम्हें मिलना होगा सबको। हाँ। हम बड़े बच्चे होते हैं उस वक्त, तो कोई ऐसे होता नहीं कि मिले या बैठे हैं जब कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो जब ताबिश की, हमने कहा हमें क्यों मिलना है, कहा आज सब फैमिली है, ताबिश की बहन भी आई है मिलने, तो जैसे ही मैं अंदर गई, मैं भाई भी बैठे थे, ताबिश ने फौरन अपनी अम्मी को देखते यूं किया देखा आपने फौरन? नहीं मैंने नहीं देखा, मेरे भाई ने देखा। अच्छा, तो मेरे भाई को अम्मी समझी, अम्मी ने कहा तमीज से बैठोगे,